इस साल जो मुश्किलें और रुकावटें आ रही हैं वो जल्दी दूर हो जाएंगी, कुछ बादलों से सूरज पे ग्रहण नहीं लगा करता। आज कर रहे हैं प्लस टू एग्रीकल्चर बायोलॉजी, इसमें अपनों ने स्टार्ट किया था प्लांट पैथोलॉजी। लास्ट लेक्चर वीडियो में अपनों ने कुछ टर्मिनोलॉजी के शब्द देखे, कुछ शब्दांशों का अपनों ने अर्थ देखा। इसमें अपनों ने एक बेसिक इंट्रोडक्शन लिया कि किस तरह से प्लांट पैथोलॉजी को अपने स्टडी करने वाले, कुछ शब्द आए थे, कुछ वर्ड्स, कुछ टर्म्स आई थी, उनके बारे में अपनों ने डिस्कस किए। तीन अपनों ने टर्म्स पढ़ लिए थे। आज जो हम कुछ और शब्दों को लेकर चलेंगे, कुछ और टर्म्स है, कुछ और शब्दांश है जिनके अर्थ, जिनकी परिभाषाएं अपने को देखनी। पहली टर्म है अपनी, वो है, एक है परजीवी, जिसको पैरासाइट बोलते हैं, सुना होगा आपने। दूसरा इसमें है मृतोपजीवी, मृतोपजीवी को बोलते हैं सेप्रोफाइट। और तीसरा इसमें अपने पढ़ने वाले हैं इसी के साथ में, इसी पॉइंट पे, एक परजीवी पैरासाइट हो गया, दूसरा मृतोपजीवी, और तीसरा हो जाएगा अपना सहजीवी। तीसरा हो जाएगा सहजीवी, जिसको बोलते हैं सिम्बायोटिक या सिम्बायोट्स, सहजीवी। इन तीनों टर्म्स के बारे में अपने वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप पढ़ने वाले हैं। पहला अपने पास है परजीवी या पैरासाइट। देखिए, एक कॉमन एग्जांपल लेते हैं, अपने शरीर के ऊपर, अपने बालों में जुएं पड़ जाती है, वो परजीवी है, क्योंकि वो एक होस्ट के ऊपर, होस्ट क्या होता है, परपोषी। जैसे किसी प्लांट के ऊपर कोई डिजीज कॉज हो गई, किसी बैक्टीरिया ने किसी पादप के ऊपर अटैक कर दिया, किसी फंगस ने पादप के ऊपर अटैक कर दिया, जो पादप है जिसके ऊपर वो बैक्टीरिया गया है, वो पादप क्या होगा, जो उसको पोषण देगा पनपने के लिए, अपना सर्वाइवल करने के लिए, वो कौन होगा, वो परपोषी या होस्ट होगा। और जो बैक्टीरिया उसके ऊपर गया है, पादप के ऊपर, होस्ट के ऊपर, वो बैक्टीरिया हो जाएगा परजीवी। तो परजीवी किसको बोलेंगे, अगर अपने को पूछा जाए कि पैरासाइट क्या होगा, तो पैरासाइट या परजीवी वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कोई भी ऑर्गेनिज्म हो सकता है जो किसी होस्ट के ऊपर अपने जीवन को व्यतीत करने के लिए निर्भर करता है। वो पूरा का पूरा निर्भर करेगा उस होस्ट के ऊपर, उससे पूरा पोषण प्राप्त करेगा और अपना जीवन है वो चलाएगा, अपना जीवन यापन करेगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं, माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट सेल होता है, सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, माइकोप्लाज्मा ही होता है, होता ये बैक्टीरिया ही है, लेकिन बैक्टीरिया की सेल वॉल अगर गायब कर दें तो अपने बोलेंगे बैक्टीरिया विदाउट सेल वॉल, तो हो जाएगा माइकोप्लाज्मा। बैक्टीरिया का एक टाइप है, बस उसमें सेल वॉल नहीं पाई जाती, तो वो माइकोप्लाज्मा है। माइकोप्लाज्मा पैरासाइट है, परजीवी है, पूर्ण रूप से निर्भर करेगा किसके ऊपर, होस्ट प्लांट के ऊपर, किसी पादप पे जाएगा, उससे सारा न्यूट्रिशन खींचेगा, उसको बदले में बीमारी दे देगा। उसके बाद फंगस कवक है, फफूंद है, वो भी अगर किसी पादप के ऊपर जाएगा तो परजीवी की तरह व्यवहार करेगा, पैरासाइट होगा। परजीवी का मतलब है कि किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर पनपने वाले कुछ ऑर्गेनिज्म, तो चाहे वो फंगस हो, चाहे माइकोप्लाज्मा हो, वो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे कि प्लांट है, वो लिविंग में आता है, जिंदा है वो, उसके ऊपर जो सरवाइव करेंगे अपने जीवन यापन के लिए, वो होंगे पैरासाइट। दूसरी अपने बात कर रहे हैं सेप्रोफाइट, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म पे सरवाइव नहीं करेंगे, ये वो ऑर्गेनिज्म है, ये वो जीव है जो डेड ऑर्गेनिक मटीरियल, डेड ऑर्गेनिक मटेरियल्स पर सरवाइव करते हैं, मृत कार्बनिक पदार्थों पर जीवन यापन करते हैं, जैसे कचरे का ढेर पड़ा है उस पे मशरूम उगाए, खुम्बी जिसको बोलते हैं, फंगस है वो एक तरह का, म्यूकर जिसको बोलते हैं, इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, म्यूकर। म्यूकर जो फंगस है, जो कवक है, वो किस पे पनपता है, वो पनपता है मृत कार्बनिक पदार्थों पर या कचरे पर, ऑर्गेनिक होना चाहिए वो, मृत कार्बनिक सड़ी गली चीजों पर पनपने वाला कोई भी जीव है वो
मृतोपजीवी या सेप्रोफाइटों का एग्जाम्पल म्यूकर याद रखना है, कवक है। तीसरी बात आती है सहजीविता पर। सहजीवी क्या है? दो अलग अलग जीव होंगे, दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म होंगे, वो एक दूसरे पर निर्भर करेंगे किसके लिए? सर्वाइवल के लिए, लेकिन एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हुए, लिविंग टुगेदर एंड गिविंग बेनिफिट टू ईच अदर। एक साथ रहेंगे और एक दूसरे को लाभ पहुंचाएंगे, किसी को किसी प्रकार की कोई हानि नहीं होगी, उसे बोलते हैं सहजीविता। तो इसके एग्जाम्पल मैं लिख देता हूं, एग्जाम्पल क्या होगा? माइकोराइजा। माइकोराइजा क्या है? कवक मूल। कवक मूल, कवक मूल। तो कवक मूल क्या होती है? कवक होता है, फंगस होता है, वो रहने के लिए आ जाता है किसके साथ? पाइनस की जड़ों में। जो हायर प्लांट्स हैं जिम्नोस्पर्म के, पाइनस की रूट में कौन आ गया? कवक है, वो रहने के लिए आ गया, तो उसको बोलेंगे माइकोराइजा। इसमें क्या होता है? कवक है, वो पोषण प्राप्त करेगा, क्योंकि कवक अपना भोजन नहीं बना पाता खुद, तो वो पोषण प्राप्त करेगा पाइनस की जड़ों से। बदले में क्या होगा? एरेशन अच्छा कर देता है, अच्छी तरह से एरेशन देगा उसको। कौन? जो कवक है, वो भूमि के अंदर या मिट्टी के अंदर जो ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी है, उपलब्धता है, उसको बढ़ा देगा किसके लिए? पाइनस के लिए। तो पाइनस को बदले में क्या मिलेगा? ऑक्सीजन मिलेगी। दूसरा उदाहरण आप लेते हैं, वो है एक एग्जाम्पल और लेंगे अपने, वो है लाइकेन। लाइकेन क्या होता है? ये किस किस के बीच में सहजीविता का उदाहरण है? ये वो संबंध है जिसमें एक कवक और दूसरा शैवाल, एक फंगस और दूसरा एल्गी आपस में साथ में रहना स्टार्ट कर देते हैं। वो बदले में एक दूसरे को क्या देंगे? वो तो कवक है, वो न्यूट्रिशन लेगा किससे? शैवाल। एल्गी है, वो प्लांट का प्रिमिटिव फॉर्म है, तो एल्गी अपना फूड खुद बना पाते हैं। तो एल्गी है, वो कवक को, उस फंजाई को क्या देंगे? पोषण देंगे। बदले में जो कवक है वो एरेशन देगा उसको, किसको? एल्गी को। अच्छी ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाएगा किसको? फंजाई है, वो अच्छी ऑक्सीजन की जो उपलब्धता है वो बढ़ा देगा किसके लिए? शैवाल के लिए, जिससे शैवाल की वृद्धि अच्छे से होती है। तो किस किस का ये संबंध है, किस किस का कोरिलेशनशिप है? तो अपने बोलेंगे लाइकेन जो है वो फंजाई प्लस एल्गी, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, सहजीवन है, सिम्बायोसिस है, जिसमें फंजाई है वो न्यूट्रिशन लेगा किससे? एल्गी से, और बदले में एल्गी को क्या देगा? ऑक्सीजन देगा, जो कि वो एब्जॉर्ब करता है सॉइल में से या किसी भी सरफेस से। तो फंजाई और एल्गी का कॉम्बिनेशन है लाइकेन, और जो माइकोराइजा है, माइकोराइजा मैंने आपको बताया था, माइकोराइजा किसका? पाइनस की रूट प्लस फंगस या फंजाई का कोरिलेशनशिप है, सह संबंध है। तो आज के लिए इतना काफी। इसमें अपने परजीवी, मृतोपजीवी और सहजीविता में क्या बेसिक डिफरेंस होता है, इन शब्दांशों के अर्थ पढ़े। नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में कुछ और शब्दों को उठाएंगे, कुछ और शब्दांश देखेंगे। तब तक के लिए बने रहिए, टिके रहिए एंड इनहेल बायोलॉजी।